नहीं लू क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बेटा, नया तुझे आ गए आप लोग। सो व्हाट इज अप ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दिल एंड हाउ इज एवरीवन गाइस। मैं लाइक सर जो ब्लॉग किया था वो आप लोगों को बहुत पसंद आया, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। थोड़ा डिफरेंट होगा आज का ब्लॉग, ऑलमोस्ट 11 o'clock हो रहा है, लोग घर पे उठ चुके हैं, सबके लिए लॉकडाउन था, मम्मी लोगों के लिए लॉकडाउन नहीं होता, वो लोग जल्दी उठ जाते हैं, वैसे भी लॉकडाउन हो या ना हो तो उनको जल्दी उठना ही होता है। पहले भी मैं लेट उठता था, अभी भी मैं लेट उठता हूँ, तो ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, यही उठने का टाइमिंग और रूटीन था मेरा। अभी घर पे बन रही है चकली, चकली इसलिए बन रही है क्योंकि मोस्टली स्नैक्स वगैरह के लिए हम लोग को नीचे जाना पड़ता है, लाना पड़ता है स्नैक्स वगैरह, और बहुत भूख लगती है और घर पे बैठ के, तो घर पे चबल 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 चबाना चालू हो जाता है। चकली हम लोग इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोग को नीचे जाना नहीं पड़े, कोरोना वायरस चल रहा है एंड लॉकडाउन भी चल रहा है तो क्यों रिस्क उठाना, अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाने का, पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते, मिल्क वगैरह तो लाना ही पड़ता है, घर पे नहीं बनता, दूध नहीं निकलते, बट किचन में आता है, किचन में पूरी हॉचपॉच भरा है हॉचपॉच। और एक इंसिडेंट जो मेरे लाइफ में कुछ दिन पहले हुआ था वो आपसे शेयर करूंगा मैं। चलो पहले फटाफट जाते हैं किचन के अंदर और आपको बता दो। हाय वेलकम, चल 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 चल, हाँ हाँ जूने गाने चलते हैं बस हम लोग के घर पे। पहली बार बना रहा है ना, दसवीं बार बनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नायला बारा, नायला को अंदर एंट्री नहीं है, नायला के बाल झड़ते हैं तो नायला को अंदर एंट्री नहीं है। आओ दड्डा। तो अभी आप लोगों को ना चकली बनाने का प्रोसेस दिखा दो, चकली तो फुल फॉर्म में बन रहा है इधर, ये देखो इधर भी बन रहा चकली, इधर भी बन रहा चकली और इधर भी बन रहा चकली, तो तीन लोग चाहिए अपने को कम से कम मिनिमम चकली बनाने के लिए। तो जगह की कमी की वजह से हम बैठे ऊपर, अभी आपको प्रोसेस बता दो चकली बनाने का। बुड्ढा क्या कर रहे हो, देख इसके बनते हैं ना ऐसा लेने का, ऐसा लेने का, इसका अंदर भरने का, इसका अंदर भर बस, इसको डाल के गुण ये अब हम लोग ऐसे ऐसे घुमाएंगे, आपको दिखाऊं कैसे खा जाता है। सो ये ऐसे करते हैं, चकली, और इसको ऐसे नहीं खाने का, इसको फिर इधर लेके जाने का तीसरे इम्पोर्टेंट पर्सन के पास, और डाल देंगे इसके अंदर, ये फ्राई हो रहा है, फ्राई होने के बाद ये लगेगा कुछ इस तरह, कुरकुरा कुरकुरा लगेगा इस तरह, और फिर इसको ऐसा लेने का, ऐसा खाने का, ये ऐसे नहीं खाते, ऐसे खाते कुरकुर कुरकुर होना चाहिए, इंग्रेडिएंट चाहिए क्या। अभी एक्सपर्ट आपके सामने बैठेंगे चकली बनाने के लिए, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था, वो मैं हूँ। मैं आपको फिर से एक बार खाना सिखाता हूँ कैसे खाता है चकली, वो बराबर ये इधर बैठ के तीन बनाता है तो दो खाता है उसमें से, तीन बना रहा है और दो खा रहा है, तीन बना रहा है दो खा रहा है। अरे देखो कैसे खाते, ये देखिए ये ऐसे लिया है ना, क्या लेने का, इतना कम क्यों हो गया समझ रहे हो ना, सुबह से बन रहा चकली मेरे उठने से पहले से, इतने बड़े टॉप में लेके बैठे हैं। वाह गुड विकास गुड, मैंने हस्तांतरण कर दिया है, हस्तांतरण कैसा है दिलीप, एकदम एकदम चकली परफेक्ट। ये चकली बहुत जल्दी से बिक जाएगा, ये तो एकदम राउंड एंड राउंड चकली है। कौन सा नया बिजनेस खोल दिया, हाँ आज मैं हलवाई है। इट्स अ रेड कलर, ये नया चकली दूसरा टाइप का, रेड कलर का मसाला चकली, बटर चकली।
अच्छा बटर चटनी, इसको बोलते हैं बटर चटनी। और ये लाल कैसे हो गया, इसमें मिर्ची का भुक्का डाले, इसका कलर डिफरेंट है, इसका टेस्ट भी डिफरेंट होगा और मसाला भी डिफरेंट है, थोड़ा बाहर आते हैं। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता था, शेयर ये करना चाहता था कि गोवा गया था तब लॉकडाउन नहीं चल रहा था, लॉकडाउन शुरू हुआ 22 से हम लोग गोवा पहले गए थे, पर कोरोना वायरस का इफेक्ट चल रहा था सब जगह पे, एंड सभी जगह पे बोल रहे थे कि मतलब अभी कोरोना वायरस फैल रहा है फैल रहा है फैल रहा है, एंड गोवा में कोई केसेस नहीं थे तब तक। 5 दिन का ट्रिप था गोवा का, 3rd डे ना मेरी तबीयत खराब हो गई, गोवा में फीवर आ गया मुझे, वायरल फ्लू जैसा सोचा उसको, एंड मैंने दवाई ले ली, कैल्पोल लिया और सो गया, और नेक्स्ट डे मैं एकदम परफेक्ट था, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई नहीं। मैंने टूर किया गोवा का, कंप्लीट किया, गोवा का कंप्लीट करने के बाद टूर में घर आया, घर आने के बाद जो फीवर हुआ वो भयंकर वाला फीवर था, मेरा पूरा बॉडी पेन हो गया, हेडेक हो गया, एंड मैं इतना डर गया था, मेरे को लगा कि मेरे को मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कोरोना वायरस हो गया है करके। मैंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया था, लॉकडाउन शुरू हो चुका है, 21st को हम लोग आए थे, 22 से लॉकडाउन शुरू हो गया था, 22 को मैं बीमार पड़ा था रात को, और मैंने लिटरली सोच लिया था कि मेरे को कोरोना वायरस हो गया, क्योंकि एक हवा चल रही थी ना तभी कि कोरोना वायरस, इसलिए हल्का सा भी लोग अगर बीमार हो रहे थे उनको तो वही लगा था कि उनको कोरोना वायरस हो गया, तो मेरे को भी ऐसे लग गया था कोरोना वायरस बिल्कुल। मैंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया था 2 दिन के लिए, और मैं अंदर के रूम में रहता था, किसी को पास आने नहीं देता था, तब मैं 2nd डे एकदम परफेक्ट हो गया था, मेरे को पर रिस्क नहीं उठाना था, इसलिए मैंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था। और 3rd डे भी अगर मेरे को लगा कि अगर मैं बीमार पड़ता हूँ फिर से तो मैं जाके अपने आप को सरेंडर कर दूंगा, बट देन थैंकफुली मैं अब तक वापस बीमार कभी नहीं पड़ा। तो ये बहुत बहुत हॉन्टिंग किस्सा था, हॉन्टिंग किस्सा ये था कि मेरे को मतलब वो 2 दिन ना मतलब मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, मेरे को सपने में भी कोरोना वायरस ही चल रहा था मेरे सपने में, एंड फिर अफवाहें भी इतनी उठ रही थी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है मतलब ये होगा, बहुत सी चीज़ें थी जो दिमाग में चल रही थी, और उसकी वजह से ना मैं एकदम ऐसा हो गया था, अरे यार मैं एकदम कम्प्लीटली शैटर्ड हो गया था। मैं आपको ये मैसेज इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो छोटा मोटा फ्लू आता है ना वो छोटा सा फ्लू भी हो सकता है, मगर उसको अंडर एस्टिमेट भी मत कीजिएगा, प्रिकॉशंस लीजिएगा, कोई भी मतलब आप रिस्क मत उठाइएगा, मगर उस चीज़ को दिमाग में मत चढ़ने दीजिएगा, अगर वो दिमाग में चढ़ गया ना तो ना होने वाली चीज़ भी आपको हो जाएगी, बस मेरा ये बोलने का मतलब है। जैसे मेरे साथ 2 दिन मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आई थी, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, मेरे को सपने में भी ऐसा लग रहा था कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरी फटी पड़ी थी मतलब मैं लिटरली बोलूँगा, ज़्यादा इंटेंस नहीं करते उसको, फटाफट फटाफट छोटा सा मैसेज चाहिए। बाकी लाइफ तो चल रही है आराम आराम से, मूवी देख रहे हैं, अभी उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ मुझे, और मैं एकदम परफेक्टली ऑल राइट हूँ, बस अभी लॉकडाउन खुलने का वेट कर रहा हूँ और नेक्स्ट राइड मारने का वेट कर रहा हूँ, बस ये जल्दी से जल्दी हो जाए तो मैं एकदम खुश हो जाऊँगा। बहुत से लोग मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी बाइक पे मैंने जो जो मॉडिफिकेशंस किए हैं ना उसका एक वीडियो बनाए, तो जल्दी उसका वीडियो आ जाएगा आपके पास, एंड 10,000 किलोमीटर्स का रिव्यू भी लोग मांग रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उसका भी एक वीडियो बनाऊँ, 10,000 किलोमीटर्स का और सेकेंड सर्विस कॉस्ट प्राइस कितना होता है क्या होता है उसका वीडियो एक सेपरेट बनाऊँगा मैं। ये जो टाइम है इस टाइम पर भर भर के नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, अभी ऑलमोस्ट मैंने नेटफ्लिक्स के काफ़ी सारी सीरीज़ ख़त्म कर ली है, मनी हाइस्ट ख़त्म हो गया मेरा, स्ट्रेंजर थिंग्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, असुर ख़त्म हो गया है, टाइगर किंग ख़त्म हो गया है मेरा, बहुत सारी सीरीज़ ख़त्म हो गए, मूवी तो भर भर के देखा है, सुबह 4-4 बजे तक मूवी देखा जा रहा है, अभी भी अंदर हम लोग का काम चल रहा है इसीलिए मूवी बंद है, वरना ये टाइम पे भी मूवी देखते हैं हम लोग, नायला का एक्सरसाइज का टाइम होता है तो एक्सरसाइज में लेके जाते हैं। एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, एक और सीरीज़ है अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख लो, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, जो कि अभी चल रहा है अंदर, पापा देख रहे हैं, प्रधानमंत्री करके यूट्यूब की सीरीज़ है, 12 या 13 एपिसोड कुछ ऐसे ही है, न्यूज़ चैनल का सीरीज़ है वो, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बता देगा वो, प्रधानमंत्री शेखर कपूर का। देखो ये सरकार दोषी, सरकार ने ना ही गैंग और ना ही भ्रष्टाचार को, सरकार पूरी तरह सफल। अभी 7th एपिसोड चल रहा है, मैंने 7th नहीं देखा, 6th तक देख लिया है, 7th एपिसोड चल रहा है अभी, बहुत ही अच्छा है एंड बहुत इन्फॉर्मेटिव है अपने हिस्ट्री को लेकर, तो ये टाइम को यूटिलाइज़ करके आप देख सकते हो अपने, अगर आपके घर पे बच्चा वच्चा कोई है तो उसको भी दिखा लीजिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत काम आएगा उसके। नया नया आइटम बन रहा है, चकली खत्म हो गया, सब किचन के अंदर ही रहो दिन भर, उठ जाएगा क्या बन रहा दिखाओ, पापा को मनु का मोना को प्रदीप पुजारी नया कारीगर सुकून से बैठ के खाएगी आराम से, ऐसे एक एक राउंड हो गया खा के, अभी दूसरा राउंड चल रहा है। हाँ तो अभी
लॉकडाउन खत्म होने तक ये चलता रहा। तो फाइनली गाइस इट इज टाइम टू एंड दिस व्लॉग। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टिल देन बाय, टेक केयर, गेट आउट एंड मचाते रहो। चलो गाइस बाय, टेक केयर।